हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। दिस इज सुनील, डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिर से हम यहाँ पे दोनों इंडेक्स की फुल एनालिसिस करने वाले हैं, ये देखने की हमारी कोशिश रहेगी कि कल फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, यहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मार्केट कहीं ना कहीं बायर के लिए कोई भी मार्केट में स्पेस बचा नहीं हुआ है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल और टफ दोनों है, दोनों साइड में मार्केट मूव कर रहा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको इंट्राडे चार्ट पे चीज़ों को क्लियर करूंगा कि डायरेक्शन मालूम होने के बाद भी पैसे नहीं बनते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे लेके चलता हूँ और आपको वहाँ पे क्लियर कुछ दिखाता हूँ, तब चीज़ें आपको वहाँ पे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मॉर्निंग में मैंने अपडेट किया था, टेलीग्राम चैनल पे लेके चलता हूँ, तब चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होगी। टाइम था 10:22 पे, निफ्टी 19,790 टू 19,800 तक की सपोर्ट मैंने अपडेट किया था। 11:06 पे इसने जो लो लगाया था 19,793 का, और यहां से एक बाइंग का प्लान मैंने किया था ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे। देख दिखाता हूं आपको चार्ट पे, अब चीजें अभी इंट्राडे पे मैं दिखाऊंगा, पहले मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया चीजें। अब आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्शन मालूम होने के बाद SLB स्पॉट पे नहीं हिट होने के बाद भी ऑप्शन में पैसे कहीं पे बने नहीं है। ऑप्शन सेलर के लिए तो पैसा बना है, ऑप्शन 30 रुपए का ऑप्शन 0 हो गया, उनका पैसा बनाया, लेकिन बायर के लिए कोई स्पेस नहीं था। वो आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि डायरेक्शन मालूम होने से भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं, प्रॉफिट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्शन के साथ साथ ऑप्शन बायर को मोमेंटम भी चाहिए होता है। तो ध्यान से चीजों को, वहां पे एक SLB हिट हुआ 5 पॉइंट का, उसके बाद से मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अभी मार्केट रेंज में, उसी जो रेंज में कंटिन्यू फंसा हुआ है। रेंज का हाई है 19,877, आप इसको 19,900 मान लीजिए, और डाउन साइड में जो लेवल है, फर्स्ट दो टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, उसके पहले भी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, तो की सपोर्ट हमारे लिए 19,660 का है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, नो डाउट यहाँ पे यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसको हम ट्रेड किस तरीके से करते हैं, तो ये आवर्ली टाइम फ्रेम था, इसको हम जैसे ही 15 मिनट पे चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको अभी लेवल मिल जाएगा बाइंग सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे देखें मार्केट क्या हुआ, यहीं इसी पर्टिकुलर जगह से यहाँ पे बाइंग प्लान किया गया था, लेकिन मार्केट ऊपर गया, सर नीचे आया और साइडवेज होके इसी रेंज में बना रहा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में अगर बैठे भी रहते तो प्रीमियम जो 5 पॉइंट का SL लिया था वो कहीं ना कहीं पूरा ऑप्शन ही जीरो होता हो जाता। तो इसीलिए जो मिले ठीक है, SL मैंने जो प्लान किया था मैंने मार्केट को दे दिया, मैं वहां पे गलत साबित हो गया, कोई भी जबरदस्ती नहीं किया। सबसे बेस्ट ट्रेड सेटअप होगा, हमें यहाँ पे एक नैरो रेंज मिल चुकी है और यहाँ पे लेवल भी मार्क हुआ है, सपोर्ट लेवल ये तो 19,780 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जब तक इस रेंज में रहेगा, आप लोग स्कैल्पिंग मोड में रहिएगा, तो 19 फ्लैट ओपन होने के बाद 19,780 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 19,730, सेकेंड टारगेट आपका हो जाएगा 19,700 और थर्ड टारगेट हो जाएगा 19,670। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी प्लान मत करिएगा और मोमेंटम भी देखते जाइएगा कि प्राइस का किस तरीके का मोमेंटम है। लोअर लोज की फॉर्मेशन होनी चाहिए और स्ट्रांग मोमेंटम होना चाहिए अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं। होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब फ्लैट ओपन होने के बाद तो ये लेवल यहाँ पे अपर साइड में वैलिड है, लेवल क्या है 19,830। तो 30 अगर इसी रेंज में ओपन होता है और ओपन होने के बाद 19,830 को ब्रेक करता है, आप एक स्केल प्लान कर सकते हैं, 19,870 तक का टारगेट यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। अगर ये कंटिन्यू करता है तो 19,900, इससे ज़्यादा आप प्लान मत करिएगा अगर ये इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ओपन होता है। अब सेकंड सिनारियो आ जाता है गैप अप, तो गैप अप मान लीजिए प्राइस यहाँ पे ओपन होता है तो फिर वेट कर जाइएगा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं, रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट तक का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन बाइंग तभी करिएगा कि हो सकता है गैप अप ओपन हो, यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हो, प्राइस अपसाइड जाए और फिर से डाउन आए और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करे, तो प्राइजेक्शन आपको क्या मिलेगा, एक हाई एक लो और इस हाई को निकालेगा, तब आप इसी फ्लो में बाय कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब किसी भी सिनारियो में ये गैप डाउन ओपन हो जाता है और प्राइस यहाँ पे 19,700 के पास में ओपन होता है तो वेट कर जाइएगा, सपोर्ट लेवल है, प्राइस का फ्रेश प्राइस एक्शन मिलता है इस पर्टिकुलर लेवल पे, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि गैप डाउन ओपन हो, एक लो लगाए, एक हाई लगाए, उसके बाद इस लो को निकाले, तब आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे टारगेट के लिए। हो आपको निफ्टी की एनालिसिस पूरे तरीके से फ्रेंड्स क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है कल। तो सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, तो आवर्ली टाइम फ्रेम से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आवर्ली टाइम फ्रेम पे ये लेवल एज इट इज अभी डाउन साइड में वैलिड है 43,232, आप इसको मान के चलिए 43,200 से 285, ये पूरा जोन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन होगा। अपर साइड में जो रजिस्टेंस है वो है 43,800, इसी रेंज में हमें इसको प्ले करना है। तो अब इस पर हम टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे तब चीज़ें हमें और क्लियर हो जाएंगी।
अब हमें डेफिनेटली यहाँ पे देखेंगे तो एक रेंज मिल चुकी है, ये रेंज का हाई पॉइंट है और ये रेंज का लो पॉइंट है। तो रेंज का लो पॉइंट 43,500 और रेंज का हाई पॉइंट है 43,650। इसी रेंज के बीच में ओपन होने के बाद 43,655 को ये ब्रेक करता है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फाइनल टारगेट यहाँ पे जो आपके होंगे वो 43,780 तक का टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, 130 पॉइंट का रूम आपको अपर साइड में मिल जाएगा। लेकिन इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद डाउन साइड में 43,490 को ब्रेक करता है, तो आप डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट जो होगा ये आपके लिए हो जाएगा 43,350 का और सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 43,250 का। होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। सेकंड सिनारियो आ जाता है क्या हो कि ये हमारे पास एक की रेजिस्टेंस है, अब वो प्राइस ओपन हो जाए गैप अप। तो सेम सिनारियो जैसे मैंने निफ्टी में बताया था कि एक प्राइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिल जाता है रेजिस्टेंस में, इमीडिएट आप शॉर्ट कर सकते हैं। बाइंग एक ही कंडीशन में करिएगा, गैप अप प्राइस ओपन हो और रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके का का बिहेव, मान लीजिए यहां पे ये गैप अप ओपन हो जो लो लगाए और उसके बाद इसको ब्रेक कर दे, तब आप यहां पे बाइंग कर सकते हैं या कुछ इस तरीके का प्राइजेक्शन भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। लो लगाए और इस तरीके से ब्रेक करे तभी आप इसको बाय कर सकते हैं, या हो सकता है कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट भी आपको मिल सकता है। जिस तरीके से प्राइजेक्शन मिलेगा उस तरीके से आप चीजों को प्लान करना है। मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि इस कंडीशन में क्या करना है, इमीडिएट बाय करना है, इस कंडीशन में इमीडिएट सेल करना है, अवर्ली रेजिस्टेंस पे प्राइस किस तरीके से बिहेव करे तब सेल करना है, कैसे बिहेव करे तब आपको बाय करना है। एक सिनेरियो आ जाता है गैप डाउन। गैप डाउन ये लेवल हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक रैली हमें मिली थी, तो बड़ा गैप डाउन ओपन होता है प्राइस 43,350 के पास ओपन होता है, तो प्लान करिएगा कि सब मोड से आप बाइंग भी प्लान कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ थोड़ा सा चार्ट डर्टी हो गया, मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर मिले तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं इस रेंज के हाई पॉइंट तक या फर्स्ट टारगेट क्लोजिंग तक और हाई पॉइंट तक आप इसको प्लान कर सकते हैं। तो जिस तरीके से कंडीशन हो, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, और गैप डाउन में भी होता क्या है कि कभी कभी गैप डाउन प्राइस ओपन होता है तो कंटिन्यू लोअर लोज मारता हुआ चला जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, प्राइस का स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलना चाहिए। ये अगर लो लगाए और लोअर हाई और उसके बाद इसको ब्रेक करे तब आप इमीडिएट यहाँ पे सेल कर सकते हैं। होप आपको दोनों इंडेक्स के एनालिसिस पॉइंट क्लियर हो चुकी होगी। तो अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।